Hello students, now in this session we are going to understand about the bar graph. Bar graph कैसे plot कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं. तो bar graph first of all हमारे पास है single bar graph and double bar graph. Single bar graph को कैसे plot करना है, double bar graph को कैसे plot करना है, और bar graph plot करने के time पे आप क्या क्या mistakes होती है और आप उसमें से कैसे बचोगे, आप क्या ध्यान रखोगे. तो यहाँ पर बार ग्राफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बहुत ध्यान से समझना है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से हम सेशन देख के भी समझ सकते हैं. ओके, तो बार ग्राफ में ध्यान रखना है यहाँ पर कि वो बहुत इजी होता है लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट थिंग है स्केल. स्केल कैसे चूज करना है कि जो भी आपको डेटा दिया है उसमें से स्केल कैसे चूज करोगे कि कौन सा स्केल रखना है हमको बार ग्राफ में. तो उसके लिए फर्स्ट आपको डेटा को ऑब्जर्व करना है. डेटा ऑब्जर्व करोगे उसमें से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा टेबल मैं यूज़ करूँ तो मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कवर हो जा रहे. लेट अस टेक वन एग्जांपल सो दैट यू आर क्लियर विद द टॉपिक. डेटा यहाँ पर मुझे दिया है 5, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 8, 30. ओके, इस तरह से मुझे कोई डेटा दिया हुआ है और ये डेटा के ऊपर से मुझे बार ग्राफ फाइंड आउट करना है, बार ग्राफ प्लॉट करना है. ये डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ऐसा बताया है. अब यहाँ पर कोई भी डेटा है उसमें मार्क्स बताया है तो यहाँ पर मुझे देखना है कि चूज एंड स्केल कैसे चूज करें, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे स्केल चूज करेंगे. यहाँ पर स्केल एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री वो तो हमको पता ही है कि वैसे ही लिखेंगे. अगर सिटीज दिया है, टेम्परेचर्स और सिटी है, सिटीज जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और टेम्परेचर है वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे. यस, तो वो तो हमको पता है लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि वाई एक्सिस पे स्केल कैसे लें, मतलब 5 का टेबल, 2 का टेबल, 10 का टेबल क्या लेना चाहिए हमें. तो मोस्ट यहाँ पर मोस्टली ऑब्जर्वेशन 5 के टेबल में आ रहा है एक्सेप्ट दिस 12, 22 एंड 32. ये तीन जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 के टेबल पे नहीं आ रहे, बाकी के सारे ऑब्जर्वेशन 5 के टेबल पे आ रहे. ओके, ये तीनों ऑब्जर्वेशन 2 के टेबल में, लेकिन 2 के टेबल में अगर मैं ले रही हूँ तो बाकी के ऑब्जर्वेशन को कवर करना मुश्किल है. तो हमको यहाँ पर 5 का टेबल यूज करना है. फर्स्ट हमारा स्केल चूज हो गया, उसके बाद सेकेंड नंबर कि सेकेंड हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बार ग्राफ में प्लॉट करना है. कैसे प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट आपका जो भी बार ग्राफ है वो बार ग्राफ, सपोज ये मेरा एक बार ग्राफ है. ओके, यहाँ पर मैंने बार ग्राफ लिया है. बार ग्राफ आप जब भी यूज़ कर रहे हो आपको 10 लाइंस वाला बार ग्राफ यूज़ करना है, 5 लाइंस वाला बार ग्राफ यूज़ नहीं करना है. 10 लाइंस वाला बार ग्राफ यूज़ करोगे कि जैसे आपको यहाँ पर जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से होगा, ये इस तरह से आपका ग्राफ है. ग्राफ पेपर की बात करेंगे, ये आपका ग्राफ पेपर है, इस तरह से आपको मिला हुआ है. ओके, इस तरह से कोई ग्राफ पेपर है. 5 लाइंस और 10 लाइंस में क्या बात करी, यहाँ पर बीच में जो लाइंस होगी वो आपकी 10 लाइंस होनी चाहिए, एक बॉक्स में 10 लाइंस होनी चाहिए. ओके, एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस होने चाहिए, ऐसे आपके स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग दोनों के दोनों होंगे 10 लाइंस इस तरह से. तो 10 लाइंस वाला बार ग्राफ आपको यूज करना है, ग्राफ पेपर यूज करना है. उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे प्लॉट करो, एक्स एक्सिस प्लॉट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है नीचे से 2 बॉक्सेस को छोड़ देना है, 1 एंड 2, ये दोनों बॉक्सेस को छोड़ के यहाँ पर एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दो. ये दोनों एक्सिस ऐसे यहाँ पर 2 बॉक्सेस मैंने नीचे छोड़ दिए और ये एक्स एक्सिस प्लॉट हो गया. सेम वे जितने बॉक्सेस आप इस साइड पे छोड़ रहे हो वैसे ही बॉक्सेस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्किप करना है. तो यहाँ पर ये दोनों बॉक्सेस को स्किप करके मेरा ये वाला जो लाइन है वो वाई एक्सिस बनेगा, ये लाइन जो है वो क्या बनेगा, वाई एक्सिस. तो ये है एक्स एक्सिस और ये जो है वो वाई एक्सिस.
याद रखना है जितने बॉक्स आपने नीचे स्किप किए उतने ही बॉक्स आप यहाँ पे स्किप करें लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, मेरा ग्राफ पेपर यहाँ पर इतना नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा, आपको ग्राफ पेपर में आप करोगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पर ये चीज़ फर्स्ट ध्यान में रखनी है स्केल के लिए। सेकेंड चीज़ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करने के टाइम पे इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस स्किप करने हैं। ओके, उसके बाद ये जो आपका पॉइंट है उसको नेमिंग करना है ओ ओरिजिन। अगर आपने ये तीनों नेमिंग नहीं किए हैं तो आपका हाफ मार्क वहीं पे कट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर नेम करना है ज़रूरी है। ओ है पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन की जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे हैं वो है ओरिजिन। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा आएगा स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। यहाँ पर मैं सारे स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, यहाँ पर नीचे मुझे लिखना है स्टूडेंट्स और यहाँ पर जो है वो वहाँ पर क्या लिखना है मुझे मार्क्स। ये जो आएगा फाइव एक्सिस पे क्या आएगा मार्क्स। अब मार्क्स के लिए हमने स्केल कौन सा लिया, फाइव का स्केल, क्योंकि मोस्टली सारे ऑब्जर्वेशन फाइव के स्केल में आ रहे हैं। तो फाइव का स्केल मतलब 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से होगा आपका 30, 35 ऐसे फाइव का स्केल लिया। ठीक है, फर्स्ट आपका बार है, फर्स्ट बार आपका इस तरह से बनेगा यहाँ से लेके यहाँ। फर्स्ट बार में कितना है 5 है तो 5 आपका इतना ही बनेगा। सेकेंड बार जो है आपका एक बॉक्स छोड़ के बाद में बनेगा 10 का इस तरह से यहाँ पर, ये 10 का बना इस तरह से 20, 25 जो भी है नंबर्स उस तरह से आपको बॉक्स बना। अब यहाँ पर जब नंबर आता है 12 आता है तब क्या करोगे आप, यहाँ पर 10 और 15 है बीच में आपके पास 10 लाइन्स है, 5 लाइन्स जहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं वो आपका मिडल नंबर आया 12.5। तो 12.5 के नीचे वाली लाइन जो होगी वो आपकी 12 वाली होगी, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये जो लाइन है वो 12.5 है, ये आपका लाइन जो है वो 12 का लाइन रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 12 बताना है और 22 है, 32 है, उसी तरह से सेम में बताना है। इस तरह से आपका पूरा ग्राफ रेडी हो जाएगा। ग्राफ के अंदर बार्स में आप डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ऐसे कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। ये ग्राफ पूरा रेडी हो जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर आपको मेंशन करना है स्केल, स्केल लिखना है। स्केल यहाँ पर क्या होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों के ऊपर आपका स्केल आएगा। स्केल एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा। एक्स एक्सिस पे मैंने स्टूडेंट्स लिए है, वन बॉक्स के इक्वल में कितने स्टूडेंट्स लिए, वन स्टूडेंट लिए। ओके, वन बॉक्स के इक्वल वन स्टूडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। 5 का टेबल लिया है इसलिए 5 मार्क्स, अगर 10 का टेबल है तो 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, जितने भी टेबल कौन सा आपने यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंड करें। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, स्टूडेंट्स जो भी है इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों बार्स के बीच में सेम गैप रहेगा, यहाँ पर एक गैप लिया, यहाँ पे 2 गैप लिए, यहाँ पे 3 गैप लिए, ऐसा नहीं होता है, हमेशा गैप सेम रहता है। स्केल जो वाइसिस पे ले रहे हो वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब 5, 10, 15, 20, 5, 10 के बाद 12 नहीं हो सकता, 15 के बाद 18 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सेम टेबल कंटिन्यू करना है। स्केल लिखना मिस नहीं करना है, स्केल का 1 मार्क होता है पूरा, 3 मार्क्स का ग्राफ है उसमें 1 मार्क इसका होता है, 1.5 मार्क्स ये तीनों मार्क का होता है, 0.5 मार्क्स इसका होता है और 1 मार्क आपका ये जो ग्राफ आप प्लॉट कर दो उसका होता है। बिकॉज ये तो कोई भी कर सकता है, ये इसी है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर रह गई तो आपके सारे मार्क्स उसमें कट हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे चीज़ें ध्यान में रखनी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या किया, स्केल चूज़ किया। स्केल कैसे चूज़ किया, जो भी ऑब्जर्वेशन से उसको ऑब्जर्व करके हमने चूज़ किया स्केल, एक प्रॉपर स्केल। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करें वो लिखा, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करें वो लिखा। यहाँ पर डिनोट किया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को। उसके बाद हमने ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया, बार्स प्लॉट किए।
और बास प्लॉट के बुझाने के बाद में लास्ट में लिखा स्केल। स्केल लिखने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन आंसर उसके बेसिस पे पूछे हैं तो उसका आंसर दिया। क्लियर? आपका पूरा 3.3 इसके ऊपर है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.3। Exercise 3.3, question number 1. Use the paragraph to answer the following questions. First wala paragraph jo hai wo use karna hai aur question answers likhna hai. First is which is the most popular pet? Most popular pet. First matlab aapko ye wala paragraph use karna hai, 3.3 wala, figure 3.3. Most popular pet matlab ki jiski bhi frequencies, jiska bhi baat hai uska frequency zyada hai wo kaun sa hai? Cat. फर्स्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? कैट। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? कैट। देन बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट? कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है? तो डॉग में हमको यहाँ पर देखना है कितने स्टूडेंट्स है? 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है? डॉग। Question number 2. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. ये bar graph को देख के आपको answers देना है. Question number 1. About how many books were sold in 1989, 1990 and 1992? तो कितने books आपने ये वाले साल में sold हुए थे? वो हमको find out करना है. First 1989. यहाँ पर हम देख सकते हैं 1989 है वो 100 और 200 के बीच में आ रहा है, उसमें भी 100 और 200 के बीच में जो मिडिल है उससे भी ऊपर आ रहा है। सो वी हैव टू राइट दैट इन 1989 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दैट इज 175 एंड 1990 इज 400 के ऊपर है। 400 के ऊपर मीन्स हाफ समझ सकते हैं, हाफ से भी समथिंग ज़्यादा है, लेकिन तो भी हाफ जैसा अगर हम लेंगे तो 450। 1992 में यहाँ पर आपके पास बुक्स कितने सोल्ड हुए? 225। आपको यहाँ पर बार देख के उसके इक्वल में समझ में आना है, ऐसे लाइंस करोगे आप पेंसिल से तो आपको समझ में आएगा कि कितना ऊपर डिस्टेंस छोड़ना चाहिए, कितना लेना चाहिए। कौन सा नंबर? इन विच ईयर वर बुक्स अबाउट 475 बुक्स सोल्ड? 475 किस में है? तो 1919 में 475। तो यहाँ पर हमने 450 लिखा लेकिन उससे ऊपर है 475। ये था इन विच ईयर इन 1919 475 बुक्स वर सोल्ड। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, 225 किस में है? तो वो हमने ऑलरेडी लिखा 1992, उसमें 225। लेट्स सी, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स? 250 बुक्स से भी कम है, इसमें कौन सा ईयर है? इन 1989, जिसमें बुक्स 250 से भी कम है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? तो यहाँ पर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि आप कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई है तो आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट इन द 1989 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वर बिटवीन 100 एंड 200, एंड द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ 100 एंड 200 इज 150। 150 द बुक्स सोल्ड वर मोर देन 150 बट लेस देन 200 and it's exactly middle part of 150 and 200 and that is 175. So in like that you have to write the full answer. Question number 1 and question number 2 is tarah se humne kiya. Question number 3 jo hai usme represent the data on the bar graph. Bar graph pe represent karna hai. So
हो. क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर इज डबल बार क्रम. क्वेश्चन फोर हम यहाँ पर ऐसे ही सीखेंगे, क्वेश्चन थ्री भी हम यहाँ पर ही करेंगे, वो आपको होमवर्क में नहीं करना है. तो ये क्वेश्चन वन एंड टू होमवर्क में करना है. होमवर्क में इन द सेंस कि आपके नोटबुक में लिखना है, मैंने यहाँ पे करवा दिया है ऑलरेडी.